अब जरा मुंबई भी चल लेते हैं, नम्रता दुबे वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। मुंबई में क्या स्थिति है नम्रता? देखिए, मुंबई में बीती रात से तेज बरसात हो रही थी, सुबह भी ये बरसात जारी रही, जिसके चलते सायन और चेंबूर इलाके में जलजमाव जो है वो देखने मिल रहा है। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ पर हवाएं चल रही हैं और विजिबिलिटी बहुत लो हो गई है। मगर आपको तस्वीरें दिखाऊं, समुद्र किनारे लोगों को जाने से जो है रोका जा रहा है, क्योंकि हाईटाइड का वक्त नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे हाईटाइड का वक्त नजदीक आता है बरसात जो है वो तेज हो जाती है। तो फिलहाल मुंबई में बीएमसी जो है वो अलर्ट मोड पर है, लगातार जो कंट्रोल है उस पर उससे लोग इलाकों में नजर रखी जा रही है। गनीमत यह है कि बरसात जो है वो सुबह से हो रही थी लेकिन अभी थोड़ी सी कम हुई है। लोकल ट्रेन जो है वो 20 से 25 मिनट की देरी पर चल रही हैं, तो जो लोग दफ्तर जाने के लिए निकले हैं उन्हें खासा परेशानी जरूर हो रही है। लेकिन अगर सड़कों की बात करें तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे जो है वो पूरी तरह से जाम है और ऐसे में मुंबई के पास जो थाने और पालघर का इलाका है वहां पर भी जबरदस्त बरसात हो रही है, जिसके चलते स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। मुंबई में फिलहाल किसी तरह लोगों को छुट्टी नहीं दी गई है क्योंकि बरसात जो है वो यहाँ रुक रुक कर हो रही है। तो ऐसे में मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर जबरदस्त जलभराव देखने मिल रहा है, जो नदियां हैं वो अपने स्तर से ऊंचे पर बह रही हैं, तो जिसके चलते जो निचले इलाके हैं, जो ग्रामीण इलाके हैं मुंबई के आसपास के, वहां पर पानी जरूर भर गया है। हवाएं मुंबई में बहुत तेज चल रही हैं, तो कई इलाकों में जो पेड़ गिरने की घटनाएं हैं वो सामने आई हैं। लेकिन फिलहाल बीएमसी जो है उनकी तरफ से लगातार मैसेज दिया जा रहा है, अलर्ट मोड पर बीएमसी है। नम्रता, आप खबर पर नजर बनाकर रखिए, मैं वहां भी दोबारा आऊंगा, वहां की तस्वीरें भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। ये देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब दिव्यांकर तिवारी के पास चलते हैं, लखीमपुर खीरी से हमारे साथ दिव्यांकर मौजूद है। दिव्यांकर, आप वहां की तस्वीरें तो लगातार दिखा रहे हैं, पूरे पूर्वांचल में क्या हाल है? अभी लखीमपुर खीरी की मैं बात करूं, यहां पर क्या स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल, देखिए मेरे ठीक पीछे आपको नजर आ रही होगी शारदा नदी के ऊपर जो बना हुआ पुल है वो आपको नजर आ रहा होगा, पलिया कला इस जगह को कहते हैं। और मेरे ठीक बाई ओर आप देख पाएंगे ये जो शारदा नदी तेज बहाव के साथ आगे लगातार बढ़ रही है। अभी फिलहाल जो है वो खनन वाली स्थिति यहाँ पर आपको सामने साफ तौर से नजर आएगी, किस तरह से यहाँ पर बालू का खनन जो है वो किया जा रहा है और जिसके चलते जो कटाव है वो लगातार जारी है। मुक्ति धाम आपको सामने नजर आएगा, यहाँ पर लोग अंतिम संस्कार करते हैं, शारदा नदी का ये किनारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जो यहाँ पर लोगों के जो खेत हैं या फिर फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, खेत उनके कटते हुए इसी दरिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी हम आपको एक झलक दिखाना चाहेंगे। किस तरह से यहाँ पर आपको दरार, जितनी दूर तक आप आगे बढ़ते जाएंगे उतनी दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ दरार ही नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों से हमने बात की, उनका कहना है कि दिव्यांकर की इन इलाकों में जो लोग प्रभावित हुए हैं इन हालातों की वजह से जल्द उन तक मदद पहुंचे। कुछ और तस्वीरें अब मैं आपको दिखाता हूं, जो अलग अलग जगहों से तस्वीरें आ रही हैं, किस तरीके की स्थिति बनी हुई है बारिश की वजह से, बाढ़ की वजह से। बारिश से मध्य प्रदेश में भी हालात बहुत खराब हैं। तो ये मुंबई, ये मध्य प्रदेश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है ये भी बहुत जल्द हम आपको बताएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरीके के हालात यहां पर बने हुए हैं, सड़कों पर हर तरफ पानी ही पानी। और ये अब कटनी की तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए तेज बहाव पानी का, लोग वहां पर फंसे हुए हैं और उन मदद की जा रही है ताकि उन्हें निकाला जा सके, क्योंकि जो इस तेज बहाव में बह जाएगा उसका बचना मुश्किल हो जाता है। कई बार तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, शहर शहर बारिश और बारिश के बाद किस तरीके के हालात हैं। तो ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और कटनी में अब आपको लिए चलता हूं, लीलाधर मेरे सहयोगी वहां से मेरे साथ मौजूद हैं। लीलाधर, कटनी में क्या स्थिति आपको नजर आ रही है और मध्य प्रदेश के बाकी शहरों से भी क्या रिपोर्ट है? जी हाँ अखिलेश जी मैं आपको बता दूं, कटनी जिले में लगातार 48 घंटे से बारिश हो रही है और कटनी शहरी क्षेत्र जो है निचली बस्तियों में पानी भर गया है। हालांकि मौके पर जो राजस्व विभाग के संयुक्त टीम और पुलिस की टीम काम कर रही है, और अगर हम बात करें डीमलखेरा और पान उमरिया की, तो वहाँ 50 से अधिक गाँव जो है बारिश के चपेट में आ गए और 12 गाँव ऐसे हैं जो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। और इस समय हम मौजूद हैं कटनी नदी के गाटर
घाट में आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कटनी लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और यहाँ लगातार जो कटनी के SDM है वो लगातार सबको समझाइश दे रहे हैं कि यहाँ से कोई ना निकले। मेरे साथ इस समय कटनी के वर्तमान SDM है, सर ये बताइए लगातार 48 घंटे से पानी बह रहा है और किन किन बस्तियों में पानी बह रहा है और कितना नुकसान हुआ है? लगभग जिले में हर जगह पानी की स्थिति है और सभी तहसीलों में प्रशासन कलेक्टर साहब के नेतृत्व में ADM मेडक के नेतृत्व में अलर्ट है और यहाँ घाटाघाट में प्रतिबंधात्मक रूप से जितने पुल हैं घाटाघाट सहित लगभग शहर में 12 पुल पे आवागमन रोका गया है जिससे कि लोग प्रभावित न हो और पानी के लिए ढीमरखेड़ा में निरंतर देखिए तस्वीरें ये बताती हैं कि लोग प्रभावित तो हो चुके हैं। अब जरूरत इस बात की है कि जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंचे।